हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस सो एज यू नो वी आर रनिंग अ टॉप 10 एम सीरीज फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन सो आज इस टॉप 10 एम सीरीज में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के कुछ एम और हमारा टॉपिक होने वाला है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर एवर स्टडी क्लासेज हैज वेरियस कोर्सेज फ्री एग्जाम प्रिपेरेशन आप इन कोर्सेस को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवरस्टडी क्लासेज वेबसाइट द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ द क्वेश्चन इज डैश इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट देड ऑफ विच स्टैंड एन इंडिविजुअल एज वन हु इज रिस्पॉन्सिबल हु डायरेक्ट इट्स ऑपरेशन एंड हु फेलर तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें एक इंडिविजुअल ही रिस्पॉन्सिबल होता है एक बिजनेस के के ऑपरेशंस ऑपरेशंस लिए जो सारे को डायरेक्ट करता है और जो भी रिस्क ऑफ फेलियर है उस बिजनेस का वो भी एक इंडिविजुअल पर्सन ही बियर करता है तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है राइट right आंसर इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज सोल प्रोप्राइटरशिप तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर जो है वो बी हो जाएगा क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है हमारा एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक इंडिविजुअल ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसके बिजनेस के लिए जो भी उसके बिजनेस ऑपरेशन है वो एक पर्सन ही डायरेक्ट करेगा और रिस्क ऑफ फेलियर भी एक पर्सन के पास ही होता है यानी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है और ये जो डेफिनेशन है ये अपने याद रखना है एच एच ने, ने इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को दिया था फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पार्टनरशिप तो यहाँ पर पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछा गया है हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो पार्टनरशिप के बारे में करेक्ट है ऑप्शन uh, है हमारे पास इन ए पार्टनरशिप इच पार्टनर्स लाइबिलिटी फॉर बिजनेस डेट्स इज लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस सेकंड में बोला जा रहा है पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप मस्ट इक्वली शेयर प्रॉफिट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस थर्ड ऑप्शन इज ईच पार्टनर इन ए पार्टनरशिप हैज द अथॉरिटी टू बाइंड द पार्टनरशिप एंड मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ दिजनेस एंड डी इज अ पार्टनरशिप हैजेचुअल एक्सिस्टेंस मीनिंग टू ऑपरेट इन डेफिनेटली तो ये यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इन पार्टनरशिप पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो भी पार्टनर्स की लाइबिलिटी है बिजनेस डेट्स के लिए वो उनके कंट्रीब्यूशन तक लिमिटेड होती है तो ऐसा नहीं है जो हमारी पार्टनरशिप होती है जनरल पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो इसमें

मेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस तो यस हर पार्टनर के पास एक अथॉरिटी होती है कि वो बिजनेस uh, के हाँ से डिसीजन ले सकता है तो सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट होगी और डी अगेन यहाँ पर गलत है जिसमें बोला जा रहा है कि पार्टनरशिप की परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है इसका मतलब है कि जो बिजनेस है वो इनडेफिनेट टाइम तक चलेगा तो ऐसा भी नहीं होता है सो राइट आंसर इस क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तो सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है बाकी तीनों ही गलत है इसलिए सी हमारा यहाँ पर राइट right आंसर

प्रॉपर्टी बी में बोला गया है द को पार्सनरी प्रॉपर्टी ऑफ ए ज्वाइंट हिंदू फैमिली मस्ट बी इक्वली डिवाइडेड अमंग ऑल द को पार्सनर्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर

राइट right? और को पर्सनली प्रॉपर्टी में उसके इक्वल राइट होंगे ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पर राइट right? इसके अलावा इस पर्टिकुलर एक्ट में बोला गया कि जो प्रॉपर्टी है हिंदू फैमिली की वो इक्वली डिवाइड होगी अमंगल एट दर्टिशन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर सही बात है और अगर मैरिड है इन द हिंदू फैमिली है ये यहाँ पर गलत दी गई है जिसमें बोला गया है कि जो सिर्फ जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है वही ही करता बन सकता है तो ये यहाँ पर गलत बात है राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ये जो अमेंडमेंट थी ये यहाँ पर लाई गई थी हिंदू

नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्टनर्स not टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड सो पार्टनरशिप के context में ही अगेन ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेते हैं इस तरह के पार्टनर्स को हम क्या बोलते हैं तो यहाँ पर options दिए गए हैं एक्टिव पार्टनर्स स्लीपिंग पार्टनर्स secret पार्टनर्स या फिर nominal पार्टनर्स सो so, ये ऐसे पार्टनर्स जो किसी पार्टनरशिप की डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेते हैं एक्टिवली पार्ट नहीं लेते हैं इस तरह के पार्टनर्स को बेसिकली हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स तो राइट right आंसर हमारे यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी स्लीपिंग पार्टनर्स वो होते हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेते हैं हालांकि ये जो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं ये जो भी कैपिटल होती है एक पार्टनरशिप की उसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं और जो भी प्रॉफिट्स आता है उसमें भी इनका शेयर होता है और जो इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है वो भी इनके ऊपर अप्लाई होती है बस ये डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेते हैं इसके अलावा एक्टिव पार्टनर्स वो हो जाएंगे जो डेली एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे हैं। सीक्रेट पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट इसके अलावा नॉमिनल पार्टनर्स हमारे वो पार्टनर्स हो जाते हैं जिनका नेम जो है वो बेसिकली यूज करा जाता है पार्टनरशिप में और इनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं होती है तो इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्स क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर बिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स अ मेरिट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सो कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम बात करें सो so, कौन सी स्टेटमेंट है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेरिट को

if a member dies becomes bankrupt and is declared insane and d is cooperative societies typically face high operational cost due to the need of employee middlemen and द रिस्क ऑफ बैड डेट्स तो इन स्टेटमेंट्स को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो वोटिंग राइट्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितना अमाउंट उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उसके अकॉर्डिंग होता है राइट सो दैट जो लार्जर इन्वेस्टर है उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस हो तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है वन पर्सन वन वोट का कंसेप्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में होता है इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है जो लाइबिलिटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो लिमिटेड होती है यानी कि जो पर्सनल एसेट्स है उनको आप नहीं ले सकते टू रीपे द सोसाइटीज बिजनेस डेट तो बी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है सी में बोला गया है कि जो एग्जिस्टेंस है कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो अनस्टेबल होती है तो देखिए ऐसा नहीं है अनस्टेबल नहीं होती है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ये भी लो होती है क्योंकि मिडिल मैन ज्यादा नहीं होते हैं तो डी स्टेटमेंट में हमारी गलत है राइट right आंसर इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज परपेचुअल सक्सेशन इज अ फीचर ऑफ विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में जो सक्सेशन है वो परपेचुअल होता है परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि अगर आपके जो मेंबर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ भी देते हैं किसी वजह से जो टॉप लीडरशिप है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चली भी जाती है स्टिल उसका जो सक्सेशन है वो परपेचुअली चलता रहता है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा चार ऑप्शन हमें यहाँ पर मैंशन है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी एच या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में जो सक्सेशन है वो परपेचुअल होता है जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है ये तभी एंड होती है अगर उसे हम स्पेशल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसका क्लोजर करते हैं जिसको बाइंडिंग का बोला जाता है इसके कंटेक्सट में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के कंटेक्सट में ये बात भी बोली जाती है कि मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट तो इसलिए हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज हाउ मेनी मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर्स तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने मिनिमम और कितने मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो होते हैं ये इस क्वेश्चन में बताना है ऑप्शन है हमारे पास मिनिमम टू एंड मैक्सिमम सेवन बी इज मिनिमम टू एंड मैक्सिमम टू हंड्रेड सी इज मिनिमम सेवन एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड एंड डी इज मिनिमम सेवन एंड मैक्सिमम टू हंड्रेड सो अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो इसमें जो मिनिमम मेंबर्स हैं वो दो होने चाहिए राइट right? और जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो आपके टू हंड्रेड हो चुक हो सकते हैं अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो इसमें मिनिमम सेवन मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिम की कोई लिमिट नहीं होती है इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मेड आफ्टर टेकिंग वेरियस फैक्टर्स इन टू कंसिडरेशन बिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर तो हमें यहां पर बोला जा रहा है कि किस टाइप ऑर्गेनाइजेशन आपको बनानी है स्टार्टिंग ए बिजनेस अब आपको सोल प्रोप्राइटरशिप रखनी है पार्टनरशिप रखनी है या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा राइट बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये बात डिपेंड करती है तो हमें बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा ऑप्शन है हमारे इनिशियल कॉस्ट कैपिटल कंसिडरेशन फैमिली हिस्ट्री एंड मैनेजेबिलिटी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी विच इज अ फैमिली हिस्ट्री तो फैमिली हिस्ट्री इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वेन इट कम्स टू डिसाइडिंग एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा हमारा फॉर्म होगा वो हमें डिसाइड करना है तो इसमें जो मेन फैक्टर्स हैं वो होंगे जिसकी हमारी इनिशियल कॉस्ट क्या रहने वाली है राइट right? लाइबिलिटी क्या होगी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी या फिर अनलिमिटेड होगी राइट right? इसके अलावा कंटिन्यूटी किस तरह की हमारी रहेगी इस ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल कंसिडरेशन हम रखेंगे कि कितने इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी मैनेजेरियल एबिलिटीज देखी जाएंगी मैनेजेबिलिटी देखी जाएगी कितना पॉसिबल है हमारे लिए बिजनेस को मैनेज करना साथ में डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या होगा तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे वाइल्ड डिसाइडिंग एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु बिच टू ऑपरेट अ बिजनेस विद डेमोक्रेटिक कंट्रोल इक्वल वोटिंग राइट्स फॉर ऑल द मेंबर्स एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज रैदर देन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट तो कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी जो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को शूट करेगी राइट ऐसे बिजनेस ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए बेहतर है जो एक बिजनेस को डेमोक्रेटिक कंट्रोल के साथ चलाना चाहते हैं जहां पर मेंबर्स के लिए जो वोटिंग राइट्स हैं वो इक्वल हैं और जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो सर्विस है ना कि मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट ऑप्शंस है पार्टनरशिप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इजी क्वेश्चन है जिसे कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलकर के चलाते हैं जहां पर डेमोक्रेटिक कंट्रोल से हम बिजनेस को रन कर सकते हैं जो मेंबर्स हैं उनके वोटिंग राइट इक्वल होते हैं और प्राइमरी परपज हमारा सर्विस होता है रेदर देन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गनाइजेशन अलाउज फॉर ईजी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप थ्रू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स मेकिंग इट सूटेबल फॉर रेजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल सो कौन सी हमारी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गनाइजेशन होती है जिसमें जो शेयर्स हैं उनका ईजी ट्रांसफर हो जाता है ओनरशिप का ईजी ट्रांसफर हो जाता है थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स जिसमें हम लार्ज अमाउंट जो कैपिटल है उसे भी रेज कर सकते हैं हमारे ऑप्शन है सोल प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में जो शेयर्स का ट्रांसफर है वो हम इजीली कर सकते हैं और जो लार्ज अमाउंट है वो कैपिटल भी हम रेज कर सकते हैं थ्रू द कैपिटल मार्केट्स इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सो so, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने 10 एम को प्रैक्टिस किया रिलेटेड टू द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विश ऑल द वेरी बेस्ट